वेलकम बैक टू अवर चैनल गेमिंग विद त्रिपाठी। तो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त ओम त्रिपाठी और आ चुके हैं आज के हम अपने ब्लॉग नंबर 3 में। तो ये एक शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है जिसका रिनोवेशन करके बहुत अच्छा मंदिर बना दिया गया है। ये हमारी उरई में स्थित है। तो गाइस, ये छोटे से हनुमान जी का मंदिर है, छोटा सा। चलो तो यहाँ से आगे बढ़ के, ये जो पेड़ है कम से कम 200 से 250 साल पुराना पेड़ है, आप इसको देख के ही समझ सकते हो। तो गाइस, ये है यहाँ की तो पिंडियाँ छोटी छोटी तीन, मतलब ये हैं तो भगवान जी, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल पाया ज़्यादा अच्छे से। और गाइस, ये वो पत्थर है जो पानी में मतलब फ्लोटिंग करता है, पानी में तैर लेता है। ये कहते हैं कि ये राम जी के समय का है कि वो पानी में तैरता था। और आगे बढ़ते हुए तो ये है वहाँ पे छोटे छोटे जो मंदिर बनाए गए हैं। तो ये है द्वारा हनुमान जी का एक छोटा मंदिर, साथ में शिव जी और नंदी जी विराजमान हैं। तो चलो गाइस, इसके साथ आगे ही बढ़ते हैं। तो ये उसके पीछे साइड का है और एक और मंदिर छोटा सा, ये है गणपति बब्बा का मंदिर। तो बोलो गणपति बब्बा की जय। बहुत अच्छे मंदिर है, ये कलाकार ने अच्छे से बनाया है। यहाँ पे भी शंकर जी की छोटी सी पिंडी। तो चलो अंदर चलते हैं। जो मंदिर है, जिसके नाम पे मंदिर है इनके नाम पे, तो ये उन्हीं का गर्भगृह है शंकर जी का। तो आप लोग देख सकते हो क्या बेहतरीन शिव जी की शिवलिंग बनी है। और यहाँ से पीछे एक साइड पे ना लेक दिखाई देता है और ये ऊपर इसकी गुम्बद है। अंदर से देखो ऐसी दिखती है, ये काफ़ी ऊपर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो जय भोलेनाथ जी की जय हो। गाइस, तो इसी के साथ अब हम आ चुके हैं अपने ब्लॉग की समाप्ति पे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।